सो आज हमारे पास ये दो प्रोडक्ट है, दोनों से बाल कलरिंग होती है, वो भी नेचुरल तरीके से। तो एक है हमारे पास इंडिका का और एक है हमारे पास गोदरेज का। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों इनकी प्राइस क्या है। तो इंडिका वाले की जो प्राइस है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 रुपीज़ है इंडिका वाले हेयर कलरिंग वाले की प्राइस। और ये है गोदरेज एक्सपर्ट क्रीमी हेयर कलर और इसकी प्राइस है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 रुपीज़। तो दोस्तों गोदरेज वाला थोड़ा सा सस्ता है इस इंडिका से अगर हम कंपेयर करेंगे। तो इंडिका वाले में दोस्तों लिखा है इजी टू अप्लाई विथ ग्लव्ड हैंड्स, 100% ग्रे कवरेज इन 10 मिनट्स, लॉन्ग लास्टिंग कलर, नो अमोनिया। तो दोस्तों इसमें अमोनिया नहीं है। और ये जो गोदरेज वाला है इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट नेचुरल ब्लैक 1.0 क्रीमी हेयर कलर, रिच क्रीमी, अल्ट्रा सॉफ्ट डीप शाइन, नो अमोनिया, लॉन्ग लास्टिंग कलर। तो दोस्तों इसमें भी अमोनिया नहीं है, तो ये आपके हेयर के लिए अच्छी बात है। और दोस्तों ये विथ अमला हीना एंड हिबिस्कस, तो इस फूल को दोस्तों हिबिस्कस कहते हैं ये। और इसमें दोस्तों लिखा है एलोवेरा एंड मिल्क प्रोटीन। सो चलिए दोस्तों एक बार इंडिका वाले को ओपन करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। सो ये जो इंडिका का प्रोडक्ट है यूज़ कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। तो इसके पीछे लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है, तो पुट ऑन हैंड ग्लव्स, अप्लाई ऑन ड्राई हेयर, डू नॉट वेट हेयर। तो इसमें बोल रहे हैं कि हमें हाथ में ग्लव्स पहनना है और इसे सूखे बालों में लगाना है, ना कि बालों को गीला करके। दूसरा है कट द सैशे एंड स्क्वीज आउट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ कलरेंट एंड डेवलपर इन अ नॉन मेटेलिक बाउल। तो दोस्तों लोहे के बाउल में इसको यूज़ नहीं करना है, इसको प्लास्टिक के किसी बाउल में यूज़ करना है। मिक्स द कॉन्टेंट्स थोरोली अंटिल कलर चेंजेस, तो इसको मिक्स तब तक कर देना जब तक कलर इसका चेंज ना हो जाए। मसाज ऑन हेड थोरोली टिल ऑल द विजिबल ग्रे आर कवर्ड, लीव द कलर ऑन हेयर फॉर 10 मिनट्स। तो इसको अच्छे से बालों में मसाज करना है और जो भी आपके ग्रे बाल हैं उसको इस लगाना है अपने बालों पे और 10 मिनट तक छोड़ देना है। रिंस हेयर थोरोली विथ वाटर एंड कंडीशनिंग शैम्पू, तो दोस्तों बालों को अच्छे से धोना है और कंडीशनिंग शैम्पू लगाना है। यूज़ एंटायर कंटेंट इन वन यूज, थ्रो अवे एनी अनयूज्ड पोर्शन, सेकेंड टाइम यूसेज आफ्टर स्टोरिंग विल नॉट गिव रिजल्ट। तो दोस्तों जैसे कि ये बोल रहे हैं कि इसको एक ही बार लगा के इसको जो बचेगा उसको फेंक देना है, उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको रखेंगे तो अगली बार वो सेम रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको ये नेचुरल वाला यूज़ करना है। सो इसे ओपन करके हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। और हमारे पास ये प्लास्टिक बाउल भी आ चुका है। सो इसके अंदर भी सेम लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूज़ करना है। और एक इसके अंदर एक ये पैकेट है और आप देख सकते हैं कि ये पैकेट है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको प्लास्टिक का ही ग्लव्स दिया हुआ है, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि इसमें लिखा था। तो इसको पहन के यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट ही अच्छा देगा। सो इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दे रखा है इसको कैसे यूज़ करना है, ये भी बिल्कुल प्लास्टिक में रैप करके अच्छे से दे रखा है बिल्कुल। सो इसको कट करके डालते हैं, देखते हैं कौन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल येलो कलर का इसमें पेस्ट है और ये शैम्पू की तरह लग रहा है देखने से। सो इसको अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसा कलर है, ये ब्लैक ग्रीन जेली टाइप का, देखने से जेली टाइप का लग रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, मिक्स। तो इसको मिक्स करेंगे। सो इस चम्मच से मिक्स कर लेते हैं।
चाहे तो आप इस तरीके से मिक्स करें या फिर आप प्रॉपर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश से मिक्स कर सकते हैं प्रॉपर। सो इसे आप जैसे कि देख सकते हैं बालों बीच बीच में थोड़े बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं प्रॉपर। सो आप देखिए ग्लव्स पहन के आप ब्रश से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये आप टेलकम कंघी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है। सो इस तरीके से जितने भी आपके सफ़ेद बाल हो रखे हैं आप इसको अच्छे से काले कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अब आपको कोई डाउट नहीं होगी, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसको यूज़ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। स्लो 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 करिए, अभी बदल जल्दी हो जाइए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सर पे लग चुका है। सो इसको बस क्या करना है, 10 मिनट तक इसको रखना है और बाद में इसको धो लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो बाल हैं कलरफुल हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो चारों तरफ से हमने बिल्कुल लगा लिया है। सो दोस्तों मिक्स करने टाइम ये मेरी उंगली में थोड़ी सी लग गई थी, जैसे कि इसमें बोला है ग्लव्स पहन के यूज़ करना है, तो ये उंगली में थोड़ी लग गई है। मैं इसको धो के दिखाता हूँ कि आप ये हटता है कि नहीं हटता और ये कैसे जाएगा ये दाग। सो ये जो दाग है दोस्तों नॉर्मल तरीके से हट नहीं रहा, इसलिए बोला था मैं इसको थोड़ा डेटॉल हैंड वॉश यूज़ करूँगा इसमें। सो आप देख सकते हैं डेटॉल हैंड वॉश करने के बाद भी अच्छे से ये हट नहीं रहा नॉर्मल तरीके से, थोड़ा लाइट तो हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिए, नॉर्मल अपने हाथों से मत करिए। सो फाइनली बाल भी हमने धो लिया है और आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ही हमने धोया था बिल्कुल, और जिस जगह पहले वाइट था बाल बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और आप बिल्कुल डिटेल में देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर है बिल्कुल बालों का। सो आपको कैसे लगा मम्मी बताइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बाल भी सॉफ्ट हो गए हैं इसके। सो जाते जाते दोस्तों मैं आपको टिप दे देता हूँ, अगर जहाँ पर भी आप ये यूज़ करेंगे कलर को मिक्स करना, तो देख लीजिएगा कि आपके टेबल पे कोई फैब्रिक ना हो, क्योंकि अगर कोई भी टेबल क्लॉथ आपने अगर रख रखा है तो वो गंदा हो जाएगा। जैसे कि टेबल में हमने यूज़ किया था तो ये ब्लैक मार्क्स आ गए हैं, ये ब्लैक कलर आ चुके हैं, अब ये कैसे हटेंगे अब ये तो पता नहीं। तो आप कोई सा भी कपड़ा मत रखिएगा टेबल पे और इसको ग्लव्स पहन के यूज़ कीजिएगा, और तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।